أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم تمل ما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صلوات یہ مختصر سی آیت سورہ ملک کی ہے جس کا آغاز ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یہ قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے. 66واں سورہ سورہ تحریم, 68واں سورہ سورہ نون و قلم. تحریم وہ سورہ کہ جس میں دو اطاعت کرنے والی اور دو معصیت کرنے والی عورتوں پر گفتگو ہوئی. نون و قلم وہ سورہ جہاں فلسفہ اطاعت پر قرآن نے گفتگو کی. ان دونوں سوروں کے درمیان یہ سورہ ہے سورہ ملک, اور آیت یہ ہے کہ جب نگہبانان جہنم اہل جہنم سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے, کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے, تو وہ جواب دیں گے کہ آئے تھے مگر ہم سن کر اگر عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سن کر عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم میں نہ رہتے.
मैं मुसलसल गुफ्तगू अबू तुराब मस्जिद में कर रहा हूं कि कुरान मजीद का वाहिद मंशा ये है, वाहिद मंशा ये है कि कुरान पर ईमान लाने वाला यौम आखिर पर ईमान लाए, कयामत पर ईमान लाए। जो कयामत पर ईमान नहीं रखता, यकीन कर लो कि वो खुदा को भी नहीं मानता। जिसका माद दुरुस्त न हो उसका मबदा दुरुस्त नहीं है, जिसका अंजाम सही नहीं है उसका आगाज सही नहीं है। जो कयामत पर यकीन नहीं करता वो जालिम होता है, वो मुस्तबिद होता है, वो जफाकार होता है, वो सितमगर होता है, वो हवसनाक होता है। उसको फिर सिवा अपने किसी की फिक्र नहीं होती। सूरह मुल्क में इरशाद होता है कि अंबिया आए तो थे मगर सुनकर अगर हम अकल से काम लेते तो कभी हम जहन्नम में न जाते। तो मतलब आपकी खिदमत में इस मुख्तसर सी तकरीर का ये होगा कि पहले एक जुमले को आप अजबर करने की कोशिश कीजिए आज की मजलिस के, शायद मैं और मईन की मजलिस में काम ले सकूं। हमारे मोतकदात ही माकूलात हैं, यानी हमारा अकीदा हमारी अकल है। हमारे मोतकदात हमारे माकूलात हैं, रस्मियात नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। हमने झूठी रीस नहीं की है, हमने गलत पैरवी नहीं की है। एतकाद हमारा उसी बात पर है जहां अकल साथ दे, और जहां अकल साथ नहीं देती एतकाद हमारा आगे नहीं बढ़ता। वो मजलिस हो, मातम हो, जरी हो, ताबूत हो, सुल्तना हो, जुलूस हो, जो कुछ भी हो, हर मोतकदात में का अकीदा अकल के साथ। याद रखेंगे इसको, हमारे मोतकदात हमारे माकूलात हैं, यानी अकीदा वही है जो अकल, और अकल ही ने हमको अकीदे की तरफ रहबरी की। हमारा मोतकदात का मरकज ذات گرامی ہے ختمی مرتبت کی جو عقل اول ہے۔ ہمارے معتقدات کا مرکز اول وہ عقل ہے کہ جس کو خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور وہ عقل ہی عقل ہے۔ اس لیے ختمی مرتبت صوفی نہیں تھے، ختمی مرتبت عقل کے ساتھ معتقدات کو پیش کر رہے تھے اور بتلا رہے تھے کہ اگر تمہاری عقل نہ پا سکے تو قبول کر لو میری عقل پر بھروسہ کر کے، اس لیے کہ شاید ہزار برس کے بعد تمہاری عقل اس قابل ہو جائے گی کہ تم سب سمجھ سکو کہ محمد نے سچ کہا تھا۔ مختصر سی باتیں ہیں مگر یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب ایک جملہ آپ کو یاد ہو گیا، ہمارے معتقدات ہمارے معقولات ہیں۔
अकल की गुफ्तगू छिड़ी तो ये दो चार बातें जो कभी बहुत दिन पहले मैंने किसी मजमे को खिताब करते हुए कही थीं, वो भी याद रखिए कि इंसान तरकीब है जिस्म और रूह की। वो रूह की जो भी तारीफ हो, मगर तन्हा जिस्म नहीं है, जिस्म के अलावा कुछ है। तो जिस्म के लिए छह हालतें हैं, या जिस्म सोता है या जागता है, या सेहत के आलम में है या बीमार है, या जी रहा है या मर गया। जिस्म की छह हालतें हैं: ख्वाब, बेदारी, सेहत, मरज, जिंदगी, मौत। बिल्कुल उसी तरह रूह की भी छह हालतें हैं। उसके लिए नींद अपनी जात से गाफिल हो जाना है, उसके लिए बेदारी हर आन मुतनब्बह करते जाना है, तंबीह करते जाना है, खबरदार कदम गलत ना उठे। रूह के लिए सेहत यकीन है, रूह के लिए मरज शक है, रूह के लिए जिंदगी इल्म है, रूह के लिए मौत जहल है। अब आप समझ गए, जिस्म की छह हालतें हैं, रूह की छह हालतें हैं। तो ऐसे मौके पर रूह की मौत वहां है जहां अक्ल न हो। रूह की मौत वहां है, यानी आपका बातिन मर जाता है। इंसान चलता फिरता नजर आता है, मगर जैसा कि कहा जा चुका, ये चलती फिरती मैयतें हैं, ये हरकत करते हुए जनाजे हैं, ये मुतहर्रिक लाशें हैं, इसलिए कि इनकी रूह मुर्दा है। और रूह क्यों मुर्दा हुई? इसलिए कि अकल नहीं है। तो भाई, हर इंसान को तो अकल मिली हुई है, फिर घबराना काहे का है? हर इंसान कहता है कि मैं अकल रखता हूं। मगर ये दूसरा अहम जुमला है मेरी तकरीर का, याद रखिए, शायद काम आए। मेरे मौलाओ आका हल्लाल मुश्किलात इरशाद फरमाते हैं, अक्सरो मसारिल उकूल तहता बुरूक मताओ में, अक्सर अकल की खेतियां हिर्स की बिजलियों के नीचे आ जाती हैं। हिर्स की बिजली जब गिरती है, अकल की खेती जल जाती है। तो अकल तो सबके पास है, मगर जहां हिर्स की बिजली गिरे वहां अकल खत्म। और जहां जहां हिर्स ने तबाह किया, वहां इंसान हक से हटा, हक से दूर हुआ, हक से दुश्मनी की। वो तारीख के सफ़े अव्वल से आज तक इसी हिर्स ने मारा, इसी हिर्स ने मारा। ये भी खींचो, इसको भी लूटो, इसका भी हक खा लो, इसको भी चैन से न रहने दो। बहरहाल ये हिर्स है जो इंसान को कभी कभी तबाह कर देती है, और ऐसा तबाह करती है कि अक्ल फिर काबू में नहीं रहती। ज़िया अर्जंग मरहूम हमारे काजी उल कुज़ात थे, बड़े पाए के फारसी के आलिम थे। उन्होंने एक फारसी में शेर कहा, फारसीदा हजरात के लिए और उर्दूदा हजरात के लिए शेर का समझना मुश्किल नहीं होगा। ऐ ज़िया,
باور نمی آیت ضروری اعتقاد اے ضیاء باور نمی آیت ضروری اعتقاد مجھے عقیدے کے اعتبار سے باور نہیں ہوتا ہے حق زہرہ خوردن و دین پیمبر داشتن حق زہرہ خوردن و دین پیمبر داشتن باور نمی آیت ضروری اعتقاد اردو ترجمے کی ضرورت نہیں تو یہ ہرس ہی ہے نا یہ ہرس ہی ہے کہ جس نے انسان سے عقل کو چھین لیا اور عقل کی کھیتیوں پر حوث کی بجلیاں گر پڑیں گفتگو اس منزل پر پہنچی اور یقیناً آگے نہیں بڑھے گی بات اتنی ہی ہے کہ حوث یہ ہے کہ اگر مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے تو اس کمی کو چھین کے پورا کرو. میرے جملوں کو آپ سمجھ رہے ہیں, مختصر سی گفتگو ہے, توجہ دیجئے. حوث یہ ہے کہ کمی ہے تو چھین کے پورا کرو. اچھا ہے چھین لو, مال کی ضرورت ہے چھین لو, کمی پوری ہو جائے گی, مگر علم کو کیا کرو گے؟ فضل کو کیا کرو گے؟ تقویٰ کو کیا کرو گے؟ زہد کو کیا کرو گے؟ نہیں, نسب کو کیا کرو گے؟ آپ سمجھے, اگر محمد کے نواسے سے ضد ہے شام کی حکومت کو تو چھین لے مال دنیا, چھین لے اگر ہے, لوٹ لے گھر کو, مگر اس لوٹنے سے کیا باب مدینہ علم کا علم مل جائے گا؟ اس لوٹنے سے کیا شرافت نسبی مل جائے گی؟ اس لوٹنے سے کیا چادر تطہیر کی سند ملے گی؟ اس لوٹنے سے کیا آئے قربہ میں مداخلت کا امکان ہوگا؟ دنیا دھوکہ کھا گئی, اور اسی دھوکے کی وجہ سے آج ہم کو اس موقع پر یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ شرافت یہ ہے, شرافت انسانی یہ ہے کہ علم کی قدر کرو, علم کو بذریعہ علم لو, عقل کی قدر کرو, عقل کو بذریعہ عقل لو, فضل کی قدر کرو, فضل کو بذریعہ فضل لو, محبت کی قدر کرو, محبت کو بذریعہ محبت لو. لوٹ کھسوٹ سے انسان زمین تو چھین سکتا ہے, باغ تو لے سکتا ہے, گھر تو جلا سکتا ہے, لیکن اس نام کو کہاں سے چھینے گا کہ 1390 ہجری کی 19ویں سفر کی شام کو اب جلوس نکل رہا ہے حسین کے نام سے تو قیامت تک یہ جلوس نکلتا رہے گا. آپ نے دیکھا یہ غریبوں کا چہلوم ہے. اگر شاہی کی آنکھیں کسی بہانے کہیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں, اگر شاہی کی آنکھیں کسی بہانے اگر اب بھی کھلی ہوئی ہیں تو شاہی دیکھ لے
कि मोहम्मद के घराने ने बैअत को ठुकरा कर कितना बुलंद मकाम हासिल किया, कितनी बुलंद जगह हासिल की कि अब वो दिलों में उतर गए, नस्लों को घेर लिया, सदियों पर मोहित हो गए और इस तरह कयामत तक अपने कारवान को ले जाएंगे। तो ये जुलूस नहीं जो यहां से निकल के किसी महल्ले में खत्म हो, जुलूस वो जो कर्बला से चला है महशर तक जाएगा, कर्बला से चला है महशर तक जाएगा। ये जुलूस नहीं जिसमें आप चलते हैं, वो जुलूस जिसमें जहरा आएंगी। मैंने गुफ्तगू खत्म की, कुछ काम की बातें पहुंचानी थी। मैं समझता हूं कि आप फिक्र करेंगे और कोई अजनबी भाई मेरा यहां तशरीफ फरमा है तो वो भी गौर करेगा इन मारूजात पर कि मेरे मारूजे किस कदर हक बजानिब, कहां तक अकल के साथ। याद मजलूम की मनाई जाती है, जालिम की नहीं। याद मनाई जाती है सितम खुर्दा की, सितमगार की नहीं। याद मनाई जाती है उस दिल की कि जो दिल छिदा हुआ, उस तीर की नहीं जिसने दिल को छेदा है। ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं। यही वजह है कि इस दास्तान को कहीं से भी शुरू करूं तो यकीनन मालूम होगा कि अजीब दास्तान है। रिहाई का हुक्म मिला, अहले बैत को रिहाई का हुक्म मिला। अहले बैत ने 3 दिन या 7 दिन तक शाम में मातम किया। अजीजों के सर मंगवाए गए, सरों को सलीके से रखा, हर बीबी ने अपने वारिस का मातम किया। शाम की औरतों ने आके पुरसा दिया, शाम की रहने वालियां मातम में शरीक हुई और फर्जंदे जहरा का मातम पहले कातिल की ममलिकत ही से शुरू हुआ। जब मजलिसें खत्म हुई तो जनाब ज़ैनब ने अम्र फरमाया कि बेटा सज्जाद अब जाएंगे, अब सवारियां तैयार हुई तो वो सवारियां न थीं जो कर्बला में हाजिर हुई, अब वो सवारियां थीं जिसपे हरीरो दीवा के पर्दे पड़े हुए थे, जिसपे महमिले थीं और हर महमिल के आगे पीछे हाकिम के निगहबान थे। शहजादियां सवार हुई और जब काफिला चला तो एक मर्तबा एक कनीस के जरिए से यह पैगाम सानिया जहरा ने आबिद बीमार को दिया, बेटा हमारा काफिला अब उस रास्ते से चले जिस रास्ते पर शाम का कैद खाना हो। मैं जरा कैद खाने पे रुकना चाहती हूँ, मैं शाम के जिंदान पर ठहरना चाहती हूँ। चुनाचे जब शाम के कैद खाने के करीब सवारी आई तो एक मर्तबा पर्दे महमिल को अली की बेटी ने उलट दिया और कहा कि ऐ निगहबानो, दौड़ के जाके शाम की औरतों को तो बुलाओ। शाम की औरतें दौड़ दौड़ के जमा हुई तो अली की बेटी ने कहा, है शाम की औरतों, अल्लाह ने तुमको भी औलाद दी है,
तुम्हारी गोदियाँ भी भरी हुई हैं। मैं अपनी एक अकेली बच्ची को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। ऐ शाम की औरतों, जब कभी फुर्सत मिले मेरी बच्ची के फातिहा के लिए आ जाना। और हाँ, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद आ जाऊंगी।